हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। आटे की लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। पानी से साई तूने दीपक जलाए, दीपक जलाए। छू कर के कोढ़ियों के कोढ़ तू मिटाए, कोढ़ तू मिटाए। लीला तेरी जग में जैसे अमृत की धार है, साई लीला, साई की लीला तो साई ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साई लीला अनुपम है, अद्भुत अपार है, साई लीला सारे सुखों का द्वार है। साई लीला, साई की लीला तो साई ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साई की लीला को साई ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। एक शाम देही,
भिक्षाम देह भिक्षाम देह जवाब चाहिए तुम्हें? नहीं दूंगा जवाब, चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, 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 चले जाओ। आपने स्वयं ही तो हमें शिरडी बुलाया है और अब चले जाने को कह रहे हैं? हाँ, मैं चले जाने को कह रहा हूं, जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। साईं बाबा नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, कैसे नहीं जाओगे? मुझ पर हुक्म चलाओगे तुम? मैं मेरे पास मत आना, जाओ, जाओ। आपके पास नहीं आए तो किसके पास जाएं हम? चले जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से। साईनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? साईं बाबा, आप हमारे भगवान हैं। नहीं, मैं किसी का भगवान नहीं हूं, मैं किसी का भगवान नहीं हूं। चले जाओ, चले जाओ, नहीं हूं भगवान किसी का। जाओ सब लोग, जाओ यहां से, जाओ। आप हमें करुणा देते हैं साईनाथ। आप हमारे दाता हैं, तारणहार हैं आप, हमारे दुख दर्द दूर करने वाले हैं आप। नहीं नहीं, मैं किसी का दुख दूर नहीं कर सकता, किसी का दर्द कम नहीं कर सकता। चले जाओ तुम लोग यहां से, जाओ, चले जाओ तुम लोग यहां से। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ सब लोग। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मेरी माँ को बचाइए साईं बाबा, वो बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा वो मेरी माँ को नहीं बचा सकते, आप बचा सकते हैं साईं बाबा, बचा लीजिए मेरी माँ को। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोगों के दुख दर्द मैं देख नहीं सकता, नहीं देख सकता लोगों के आंसू। जब मैं दूसरों की तकलीफ दूर नहीं कर सकता तो मैं जिंदा क्यों हूं? मैं क्यों नहीं मिट जाता?
क्यों नहीं मिट जाता? राम राम राम, मुझे ऐसा लगता है द्वारिका नाथ जी कि हमारे शिरडी को किसी की बद्दुआ लगी है। आए दिन किसी न किसी की लाश उठ रही है शिरडी से, और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं वैद्य कुलकर्णी किसी को बचा नहीं सका। हाँ वैद्य, आप ठीक कह रहे हैं। आप तो वैद्य हैं, दवा असर नहीं करती तो उसमें आपका क्या दोष है? मुझे तो क्रोध उस साईं बाबा पे आता है। भगवान कहलवाता है ना अपने आप को वो, तो वो खुद ही क्यों नहीं कुछ करता? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रभु। किसी एक को भी बचाने की कोशिश की उसने? पहले तो झट से उदी देता था और लोगों को ठीक कर देता था। लोग यही समझते थे और आज भी यही समझते हैं कि वो उदी से ठीक होते हैं। तो कहाँ गई अब उसकी उदी? कहाँ गाड़ दी उसने? सब कुछ नाटक था प्रभु, नाटक। कौवा डाली पर बैठा और उसके बैठते ही डाली टूट गई। कौवे ने सोचा कि उसके वजन के वजह से ही डाली टूटी है। उस बेचारी चिंगी ने सबके सामने उस साईं बाबा के पैर पकड़े, कितना रोई, कितना चिल्लाई, कितना गिड़गिड़ाई। बचाया उसकी माँ को इस साईं बाबा ने। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है वैजी कि ये शिरडी के लोग चुप क्यों हैं? भगवान मानते हैं ना उसे, तो फिर जवाब क्यों नहीं मांगते उससे? महालसा पति, इसकी पगड़ी तो सर, अरे गर्दन दुखने लगी है, क्यों नहीं करते हो? क्या अग्गो भाई, ये क्या? माँ, साई बेटे, इनके साथ समय बिताने के लिए तेरे पास वक्त है और चिंकी की बीमार माँ को जाकर देखने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है? क्या बात है बाजा भाई, आज बड़े गुस्से में हो? क्यों नहीं होंगी गुस्से में? हाँ क्यों नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा जब शिरडी के लोग मेरे साई बेटे के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा लगेगा मुझे जब वो लोग मेरे बेटे पर उंगली उठाएंगे। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता भाईजा भाई। अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं साई बेटे कि तुमने शिरडी के लोगों को कभी बचाया ही नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि तुमने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने साई बेटे, क्यों? साईनाथ, 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 बाबा, 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 साई बाबा, साई बाबा, क्या हुआ साईनाथ? साईनाथ, साई बाबा, आराम से, बाबा, 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 साईनाथ, साई बेटे, साई बाबा, 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 क्या हुआ? साईनाथ, खून, आपकी खांसी से खून, ये क्या? साई बेटे, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चिंदी की माँ की भी ठीक नहीं है मालसा पति। हाँ, उसे तपदिक की बीमारी थी, मैंने देखा है, वो जब खांसती थी तो उसकी खांसी से खून। साईनाथ, साईनाथ, तो क्या चिंगी की माँ की खांसी की बीमारी उसकी तपदिक आपने अपने ऊपर ले ली? दमयंती बाई का पति सुना है महामारी से मरा, उसे महामारी की गिल्टियां पड़ गई थी। कहीं वो महामारी की गिल्टियां भी तो आपने अपने ऊपर तो नहीं ले ली? सबका मालिक एक। अरे हाथ ऊपर कीजिए, आप हाथ कीजिए ऊपर, देख ले लीजिए मुझे। साईं बाबा के हाथ में गिल्टी है। बाबा, ये आपने क्या किया? ये तुमने क्या किया साहेब बेटे? मैंने तो अपने भक्तों के दुख दर्द का
उनकी वेदनाओं का बोझ हल्का करने की कोशिश की है माँ। चिंगी की माँ की खांसी की बीमारी, दमयंती बाई के पति की महामारी की गिल्टियां और दूसरी बीमारी अपने ऊपर लेकर उनकी मृत्यु का बोझ हल्का करने की कोशिश की है माँ। मैंने उन्हें देखकर अनदेखा नहीं किया माँ, और ना ही अपने बीमार भक्तों को ठुकराया। मेरा उन पर ध्यान था माँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों पर ध्यान देती है वैसे ही मैं अपने भक्तों पर ध्यान देता हूँ। उनके दुख दर्द की पीड़ा मुझे होती है। जब वो तड़पते हैं तो उसकी वेदना मुझे होती है, लेकिन मैं अपने मन की वेदना किसी को नहीं कहता। मैं सबको करुणा तो दे सकता हूं, लेकिन उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदल सकता। चिंगी ने जब मेरे पांव पकड़े तो मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया माँ, बहुत रोया, क्योंकि मैं जानता हूं कि माँ के बिना बच्चों की क्या हालत होती है। माँ ही अपने बच्चों के लिए उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक, उसका भगवान होती है। और मैं ये जानता था कि चिंगी अपना सतगुरु, अपना भगवान, अपनी माँ खोने वाली है, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं मजबूर था माँ, मैं मजबूर था। क्यों, क्यों मजबूर थे? क्या तुम चिंगी की माँ को नई जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं माँ, नहीं, मैं किसी को भी जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। जन्म और मृत्यु पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर होता है, इसमें मालिक भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थानों पर उदय होते हैं, क्या मालिक उसमें बदलाव ला सकता है? नहीं माँ, नहीं। अगर मालिक ने ऐसा किया तो उसकी खुद की बनाई हुई सृष्टि में अफरा तफरी मच जाएगी। आपने केशन को नई जिंदगी दी थी साईनाथ, जब योगी किसी को जिंदगी देते हैं तो समझ लो महालसापति, उस योगी ने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा उस जीवित किए गए इंसान को दे दिया। अब सोचिए, इस जन्म में जिंदगी बढ़ाकर नए जन्म में जिंदगी कम करने का परिणाम क्या हो सकता है महालसापति? ये तो जीवन मृत्यु के चक्र में हस्तक्षेप होगा। नहीं, मृत्यु अटल है मां, उसे कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, मैं भी नहीं।
सबका मालिक एक है। अरे दगड़ू, जीवन गुट्टी को ठीक से मिला लेना। वैजी, वैजी, आप तुरंत मेरे साथ चलिए। अरे माधव राव, क्या बात है, सब कुशल तो है ना? कुशल ही कुशल है वैजी। इन पर तो साक्षात भगवान साईं बाबा की कृपा जो है। थोड़ी कृपा हमें भी दिला दो। अरे चुप करो मूर्खों। वैजी, साईं बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सुना वैजी आपने, जो दूसरों की तकलीफें ठीक करता था, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। वैजी आप आ रहे हैं नहीं? अरे माधव राव, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। चलिए आप जल्दी चलिए। क्रोध तबीयत के लिए खराब होता है। बस अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हैं वैजी? यही मौका है, उस साईं के लिए कसाई बन जाओ। दवा के बहाने उसे जहर दे दो, ताकि वो साईं बाबा शिरडी से ही नहीं दुनिया से चला जाए। ऐसा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। आइए वैजी, आइए। श्यामा, वैजी को क्यों तकलीफ दी? आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। वैजी आप देखिए। अरे दगड़ू, ढोंडू, ये वैजी के थैले में दवा है या जहर? सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। वैद्य जी, साइना ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं दवा देता हूँ। दवा जरूर देना वैद्य जी, उसके साथ साथ दुआ भी दीजिए। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए वैद्य जी। माधव राव जी, वैद्य जी, हर एक घंटे में पानी में मिलाकर एक एक चम्मच देना, समझे? बोलना मत। चलो। राम राम राम। द्वारिकानाथ भगवान को मेरा प्रणाम कहना वैद्य जी। वैजी, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं? लक्ष्मी की माँ साईं बाबा बीमार हैं। सुना तुमने, साईं बाबा बीमार हैं। आप क्यों अपनी आँखें बंद करके बैठे हैं वैजी? आँखें तो अपनी सदा के लिए वो बंद करने वाला है साईं बाबा, जिसकी सांसें बहुत जल्द उसके शरीर को बेजान छोड़ के न जाने कहां निकल जाएगी। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप पछता रहे हैं वैजी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवा की जगह आप जहर देकर आ गए साईं बाबा को? द्वारिकानाथ जी,
मेरे साथ एक अजीब अनुभव हुआ है। मैं जब साईं बाबा की नाड़ी परीक्षा कर रहा था तो मुझे उसके शरीर से बार बार आवाज सुनाई दे रही थी। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हाँ, सबका मालिक एक। तुम लोगों ने भी सुना? हाँ। राम राम राम। ऐसा है वैद्य जी, तो फिर हम सब भी जल्दी सुनेंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबा, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको आराम की जरूरत है, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बाबा, साईं बाबा, आप बैठ जाइए, थोड़ा लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है, बैठ जाइए। हाँ महाराजपति, ठीक कह रहे हो, अब सचमुच मुझे आराम की जरूरत है, थक गया हूँ मैं संसार के दुखों से, ये पीड़ा से, वेदनाओं से, दम घुट रहा है मेरा, यहाँ दूसरों का दुख दूर करते करते मेरा दुख बढ़ गया है, बस मैं ये शरीर त्याग देना चाहता हूँ। नहीं साईनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन के रथ की कहानी याद है ना महालसपति? अब ये रथी, इस रथ पर सवार नहीं होना चाहता महालसपति, नहीं। हमारा भी तो सोचिए साईनाथ, हमें किसके सहारे छोड़कर जाएंगे, हमें करुणा कौन देगा, कौन दुखियारों के दुख दूर करेगा? मेरी समाधि मालसपति, मैं नहीं रहूंगा, परंतु जो भी मेरी समाधि पर शरणागत बनकर आएगा उसके दुख दूर हो जाएंगे, मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा जिंदा रहूंगा महालसपति। नहीं नहीं महालसपति, तुम्हारे मुख पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती, तुम तो ज्ञानी हो महालसपति, मेरी दशा समझते हो, इस शरीर ने लोगों की पीड़ा दुख तकलीफ इतनी सही है कि अब ये जवाब दे रहा है, इसलिए मेरा समाधि लेना बहुत जरूरी है। मैं अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रहा हूं।
नहीं साईनाथ, नहीं, रुके, मैं अभी माधवराव बैजा भाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं बालसपति, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी आज्ञा है। मुझे रिश्ते नातों से मुक्त होना है, इसलिए तो मैंने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए मार्गशीर्ष महीने की इस पूनम की रात को चुना है। बालसपति, 3 दिन तक मेरे शरीर की रक्षा करना, मालिक की इच्छा हुई तो हो सकता है कि 3 दिन बाद मैं लौट आऊं, नहीं लौटा तो तुम 3 दिन बाद उस कोने में मेरी समाधि बना देना और उस पर 2 झंडियां लगा देना। साईनाथ, नहीं साईनाथ, नहीं साईनाथ, याद रखना 3 दिन। नाना सो रहे हो? नाना सोचा जाने से पहले तुम्हें मिलाऊं। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, नानी, नानी, उठो, उठो, उठो। क्या हुआ, अचानक नींद कैसे खुल गई? साईं बाबा आए थे। साईं बाबा आए थे? कहाँ? यहीं, यहीं आए थे। यहाँ कहाँ? बोले जाने से पहले मिलना चाहते हैं। कहाँ जाने से पहले? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। वो देखो, दरवाजा भी तो खुला हुआ है, वो वहीं थे। स्वयं भगवान चलकर हमारे घर हमसे मिलने आए और हम बदनसीब सोते रहे। जय साईनाथ। नाराज मत होना मुझसे, तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। साईं, क्या हुआ भाईजान? साईं, तुमने साईं बाबा को क्यों पुकारा? बिना वो जा रहा है। कहां जा रहा है? ये नहीं बताया। भाई जा, अभी सो जा। कल सुबह द्वारका माई में जाकर हम साईं बाबा से पूछेंगे, अभी सो जा। गड़ू,
जाने के बाद भी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन क्यों? मेरे हर दिन की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से ही होती है। आज भी महासभापति, क्या बात है? साईं बाबा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कहीं इनकी तबीयत तो? क्या हुआ महासभापति? साईं बाबा ऐसे क्यों लेटे हैं? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, नहीं! साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, अनर्थ हो गया शिरडी वालों, शिरडी वालों सुनो, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया, साईं बाबा का देहांत हो गया।
क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका भाई। काम हो गया वैद्य जी। हाँ वैद्य जी। साईं बाबा, साईं बाबा। वैद्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं बाबा योगासन में हो? हाँ। है तो बड़ा चतुर ये। वैद्य जी, आप ऐसा कीजिए, इसकी नाड़ी परीक्षा कीजिए। ऐसा ना हो कि साईं बाबा जीवित हो और हम इसे मृत समझ रहे हो। राम राम राम। राम द्वारिका नाथ जी, साईं बाबा जीवित नहीं है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा। अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। पृथ्वीलोक वासियों के लिए शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा, बाबा। क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। नहीं, नहीं। भक्त लोग साईं बाबा का आशीर्वाद लेने आएंगे और आकर देखेंगे साईं बाबा की लाश। बेचारा चला गया,
शिरडी क्या, ये तो दुनिया ही छोड़कर चला गया। बहुत तरस आता है मुझे उस पर नहीं भगवान, उसकी लाश पर। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा भी मरा नहीं है। वो जिंदा है। वैजी, सुन रहे हैं आप? आपने ही उसकी नाड़ी परीक्षा करके उसे मरा हुआ घोषित किया है। और आपके ये दोनों चेले आपको ही गलत साबित करना चाह रहे हैं। भगवान, ये गलत साबित हो ही नहीं सकता। वैजी खुद ही तो दवा की जगह जहर देकर आए हैं उस साईं बाबा को। नहीं नहीं, मैंने साईं बाबा को जहर नहीं दिया है। वह जी, आपने जहर नहीं दिया फिर भी वो मर गया। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा मरे नहीं हैं। उनका शरीर अवश्य बेजान है, फिर भी बेजान लग नहीं रहा। उनके चेहरे पर पहले जैसा ही तेज है। ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त वो उठकर बैठेंगे और कहेंगे, सबका मालिक एक। आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं वैद्य हूं द्वारिकानाथ जी, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कभी नहीं। नहीं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रद्धांजलि। नहीं, श्रद्धांजलि परलोक सिधारने वाले को दी जाती है, जीवित आत्मा को नहीं। बाबा, साईं बाबा ने तो समाधि ली है। समाधि? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ। यही कहकर तो महालसापति ने सबको रोक रखा है कि साईं बाबा वापस लौट कर आएंगे। वैजी, समाधि लेकर भी आज तक भला कोई वापस लौटा है? पर भगवान, ये तो समाधि भी नहीं, साईं बाबा की मृत्यु हुई है। मृत्यु? मृत्यु हुई है तो फिर अभी तक क्रियाक्रम क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए डबरू, मालसा पति को विश्वास है साईं बाबा जरूर लौट कर आएंगे। हाँ। वैजी, एक दिन और एक रात तो बीत चुके, अगर इन लोगों ने कल तक उसका क्रियाक्रम नहीं किया तो साईं बाबा का क्रियाक्रम हमें ही करना पड़ेगा। प्रभु, हम मृत्यु लोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे, गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। हो मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे, गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। बंद करो ये तमाशा, बंद करो। हाँ द्वारिकानाथ जी, आपको प्रभु का भजन तमाशा कब से लगने लगा? अरे राम 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 माधव राव जी, द्वारिकानाथ जी भजन के लिए नहीं, साई की लाश के बारे में बोल रहे हैं। वैजी! आज दूसरा दिन है और लाश यहीं रखी है, क्यों? किसका इंतजार हो रहा है? लाश को इस तरह नहीं रखा जाता। द्वारिकानाथ जी,
ये लाश नहीं है, ये साईनाथ है, साईनाथ। और फिर आप कौन है कुछ पूछने वाले? जाइए यहां से। अब लाश को यहां नहीं रखने देंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज ही होगा महाराज। अंतिम संस्कार नहीं होगा। ताज नकल 3 दिन तक मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और 3 दिन तक मैं इस लाश को यहाँ रहने नहीं दूंगा महालसापति। द्वारिका नाथ जी के कहने का मतलब नहीं समझे आप महालसापति? लाश को इतनी देर रखने से शिरडी में बीमारियां फैलने का डर है। आप भूल गए हैं वैद्य जी, साईं बाबा ने बहुत बार शिरडी को बीमारियों से बचाया है। अपने हाथों से पिसे आटे को गांव की सीमा पर लक्ष्मण रेखा डालकर उन्होंने हैजा शिरडी में आने से रोका था कि नहीं? जो मर चुका है वो बीमारियां रोकने कैसे आएगा? महालसापति तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब महालसापति कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद सोचा जाएगा तो फिर आप लोग क्यों? 3 दिन में कुछ भी हो सकता है कोते पाटिल। वैद्य जी 2 ही दिन की तो बात है, 1 दिन तो बीत गया। अरे राम राम राम, लेकिन आप लोग बीमारी को बुलावा क्यों दे रहे हो? वैद्य जी, साईं बाबा मरे नहीं है, जिंदा है। अगर साईं बाबा जिंदा है तो हम क्या मरे हुए हैं? हाँ, वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है जो भगवान को भगवान नहीं मानता। नाना साहेब। हाँ हाँ, सच्ची तो कह रहे हैं नाना साहेब। अरे आंखें होके भी जो देख नहीं सकता वो अंधा होता है। अरे अंधे तो आप सभी हैं, जिसे मरा हुआ साईं बाबा दिखाई नहीं देता। साईं बाबा ने समाधि ली है द्वारिकानाथ, और उन्होंने मुझसे कहा है 3 दिन तक मेरा इंतजार करना। 3रे दिन वो समाधि से नहीं जागे तो मैं उनकी समाधि उस कोने में बना दूं। झूठ है सब, समाधि से कभी कोई वापस नहीं आता। हम और इंतजार नहीं करेंगे, इस लाश का अंतिम संस्कार आज और अभी होगा। आगे मत बढ़ना, मैं किसी को भी साईनाथ को छूने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा करने का आदेश दिया है मुझे। अरे जिन्होंने आदेश दिया था वो जिंदा नहीं है। जीवा जी, इस महल से पति को हटाओ और इस लाश को उठाओ। उठाओ। सही बेटे के बारे में फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? उसकी माँ अभी तक जिंदा है। अरे महालसापति की बात क्यों नहीं मानते? हाँ, ये कोई समय है साई बेटे से दुश्मनी रहने का? हाँ ना ना भाई जा भाई, हम दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन शिरडी का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ? तुम लोग भावनाओं के अधीन होकर सच्चाई से अपना मुंह छुपा रहे हो। हम लोग कहते हैं कि साईं बाबा मर चुका है और तुम लोग कहते हो कि समाधि ली है, जबकि सच्चाई ये है कि ये साईं बाबा जिंदा नहीं है। है जिंदा? कहो भाईजा भाई। कहो कहो। हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम इतने दिनों तक लाश को घर में नहीं रखते भाई साहब। और अगर अंतिम संस्कार सही समय पर ना हो तो मरने वाले को सदगति नहीं मिलती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन महासपति जी तो झूठ नहीं बोल रहे। अगर साहिब बेटे ने इन्हें 3 दिन रुकने के लिए कहा है तो हम सबको भी 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। हाँ, हम इंतजार करेंगे। ठीक है भाईसा भाई, अगर तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन 3 दिन का मतलब 3 दिन। इतना याद रखना कि लाश को घर में रखना एक अपराध है। और अगर आप लोगों ने इस लाश का अंतिम संस्कार
तीन दिन बाद तक नहीं किया तो मैं आप लोगों की शिकायत कलेक्टर साहब से कर दूंगा। हाँ। चलो अरे जाओ जाओ। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जी बाजी, पैजा कहा कैसा लगा? आवाज जोर से आई थी। निशान छपा या नहीं देखूं? वैजी। अरे आ रहा हूँ चुप करो मूर्खो, क्या हुआ? देखिए ना, बैजा के सामने तो जीवा जी की आवाज ही नहीं निकली और यहाँ हम पे शेर बन रहा है। ढोंडू ढगड़ू चुप करो वरना मैं। अरे चुप। बैजा को धकेल के लाश को उठा लेते तो आज साईं बाबा का नामो निशान मिट जाता। अरे ढगड़ू, द्वारिका नाथ जी ने कैसा डरपोक किला पाल रखा है। तुम दोनों को तो मैं। अरे बस करो जीवा जी, ये लुका छुपी का खेल आप बंद करो, समझे? अरे लुका छुपी का खेल तो वो साईं बाबा खेल रहा है हमारे साथ। लेकिन कोई बात नहीं वैद्य जी, कल का दिन ही बचा है, उसके बाद वो साईं बाबा का खेल तमाम। श्री चरणों में स्थान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो। चाकर राखो दो सेवकाई। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ सेवा का फल बस यही मांगे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाईजान, तुम भी सो नहीं पा रही हो क्या? काय करूं, कोशिश करके भी नींद नहीं आ रही आंखों में। आओ। साही बेटे ने मालसापति को बताया, पर काय हो, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों बात छिपाई? बाईजान, योगियों के हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कार्य कारण भाव होता है, जो हम जैसे साधारण लोगों की समझ में नहीं आता। इसीलिए तो उसने पहले हमें समझाना चाहिए था। आहो, क्या अब साईं बेटा लौटेगा ना? साईं बाबा जरूर लौटेंगे भाईसा, उन्हें वापस आना ही होगा, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए, अपने वादे पूरे करने के लिए। हम रहे ना रहे बाईजान, लोगों का कल्याण करने के लिए साईं बाबा को रहना ही होगा।
महासपति जी, साईं बेटे ने कोई संकेत किया? महासपति जी, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, साईं बाबा के पास मैं बैठती हूँ। हाँ महासपति, हम सब हैं यहाँ। दो दिन से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, जाइए आप आराम कीजिए। नहीं नूरबाई, मैं साईनाथ की अवज्ञा नहीं कर सकता, मुझे आज्ञा है 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा करने की। मैं साईनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सचिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी। अरे रुक्मिणी बाई, क्या बात है, आप इतनी घबराई भी क्यों हो? सब कुशल तो है? मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है वैद्य जी, जल्दी चलिए, पता नहीं क्या हुआ है अचानक। देख लिया वैद्य जी, 3 दिन लाश रखने की वजह से शिरडी में बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। आप जल्दी जाके इनके बच्चे का इलाज करके वापस आइए, क्योंकि हमें द्वारिका माई में जाना होगा। कोई कुछ भी कहे, उस लाश का अंतिम संस्कार हमें करना होगा। हमें। तुम्हारी सिद्ध शिरडी के लोगों के लिए जान का खतरा नहीं बन सकती। इस साईं बाबा का अंतिम संस्कार हमें आज ही करना होगा, क्योंकि शिरडी में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। पूछो वैद्य से। हाँ, रुक्मिणी बाई का बच्चा बीमार पड़ा है। अरे पता नहीं और कितने बीमार पड़ेंगे। हाँ। और किस किस घर से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। वैद्य, रुक्मिणी बाई का बेटा साईं बाबा की समाधि लेने से पहले से बीमार है, और मैं जानता हूँ रुक्मिणी बाई उसे घरेलू दवा देती आई है। अब हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आज 3रा दिन है और 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अरे 3 दिन खत्म हुए या नहीं, पर ये साईं बाबा खत्म हो चुका है। हाँ। ये लाश अब यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तुम्हें लाश का अंतिम संस्कार करना है ना, तो उस जिंदा लाश का अंतिम संस्कार कीजिए जिसका नाम द्वारकानाथ है। ओए साबाई, चुप, बस चिल्लाओ मत, चले जाओ, चुपचाप रहता चले जाओ। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना, जाइए। समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी, अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी, साईं बाबा समाधि से उठ जाएंगे। सुन क्या रहे हो तुम सब, अभी से काम शुरू कर दो, उस कोने में साईं बाबा की समाधि बना के गाड़ दो उसे उसमें। रुक जाओ तुम लोग, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। जरूर चले जाएंगे महासपति, लेकिन इस साईं बाबा की समाधि बनाकर। जी, स्पष्ट बात ये है महासपति कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हम महासपति जी पे भरोसा करते हैं। महासपति जी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आज का दिन और आज की रात हम सब इंतजार करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे वैजी, मार खाने से पहले यहाँ से निकल लो। हाँ, नहीं तो लोग साईं बाबा की जगह हमें समाधि में गाड़ देंगे। हाँ।
जा रहा हूँ मालसापति, लेकिन इतना याद रखना, सच्चाई को आज का दिन दबा लोगे, आज की रात दबा लोगे, लेकिन कल नहीं दबा सकोगे। और सच्चाई ये है कि साईं बाबा ने कोई समाधि नहीं ली, साईं बाबा ने दम तोड़ दिया है। राम नाम सत्य है। बोलो सचिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम साई, साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साई, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम साई, साचो तेरो नाम। मोहे दर्शन दे प्रभु दर्शन दे, साई राम साई श्याम, हे अलख निरंजन दर्शन दे, दर्शन दे साई दर्शन दे, साई साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साईं बाबा, आपने मुझे साईं बाबा कहा प्रभु? इस समय तुम साईं बाबा का चोला पहने हुए मेरे सामने हो वंस, कहो कैसे आना हुआ? हे परमात्मा, मैं इस चोली से मुक्ति चाहता हूं। पृथ्वी पर तुम्हें साधारण लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है वंस, और तुम स्वयं मुक्ति चाहते हो। महाप्रभु, मेरी आप पर और आपने जो कार्य मुझ पर सौंपा है उस पर पूर्ण श्रद्धा है। पृथ्वीवासियों को करुणा देने का कार्य मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूं। फिर तुम इतने विचलित क्यों हो साईं बाबा? हे महाप्रभु, मानव शरीर मुझे दुख पहुंचाता है। जब भी कोई प्राणी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आता है तो उसकी पीड़ा देखकर मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूं। प्रभु, दुखियारों के आंसू पोछते पोछते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों को वेदना से मुक्ति देते देते मुझे वेदना होने लगती है। प्रभु, अब तो मुझे भय लगने लगा है। प्रभु, कैसा भय? मर्यादा का भय। प्रभु, यह शरीर नाशवान है, लोगों की जो मुझसे आशा है, क्या मेरी मृत्यु से उनकी आशाओं का भंग नहीं होगा? शरीर नष्ट होता है वत्स, आत्मा नहीं। तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम्हारा नहीं। मृत्यु के पश्चात भी शिरडी में तुम रहोगे वत्स। नियति क्या होती है तुम जानते ही हो। लोगों के भले
बुरे कर्म ही उनकी नियति बन जाती है, उनके कर्म ही उन्हें सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मेरे पास आने से, अपने शरीर को समाधि अवस्था में छोड़ देने से लोगों के दिलों पर क्या बीतती है जानते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। जिस प्रकार तुम्हारा शरीर निष्प्राण हुआ है, उसी प्रकार शिरडी तुम्हारे जाने से निष्प्राण हुई है। तुम शिरडी की आत्मा हो साईं बाबा, लौट जाओ। तुम्हारा कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करो। भक्तों पे भारी कहाँ जा छुपा है तू ओ लीला धारी, ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी। सुन यहाँ वास करते तेरे लौट आने की सब आस करते, मृतक जान खल तेरा उपहास करते, मगर भक्त जन तुझ पे विश्वास करते। रात भक्तों पे भारी है, धरती पे तन आत्मा है गगन में, तू खोया है परमात्मा से मिलन में, पे भारी ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी, कहाँ जा छुपा है तू ओ लीला धारी, ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी, ये विस्मय भरी रात भक्तों पे भारी। आज आखिरी रात है द्वारिकानाथ जी, इस रात की सुबह नहीं होगी,
क्या मतलब? कभी तो मतलब समझा करें वैद्य जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साईं बाबा वापस नहीं आना चाहिए। अरे मूर्खों, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? वैद्य जी, हम तो द्वारकानाथ जी की बात पर हंस रहे हैं। क्या साईं बाबा ने इनसे पूछकर समाधि ली थी? और क्या वो द्वारकानाथ जी की इजाजत लेकर वापस आएंगे? बिल्कुल, हम उसे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन हम कैसे रोकेंगे उन्हें? जब शरीर ही नहीं होगा तो? शरीर नहीं होगा? अगर शरीर ही जल के राख हो जाए वैद्य जी, तब कोई कैसे लौटेगा? महासपति, मेरे शरीर की रक्षा करना, इसे छोड़कर मत जाना। आजा आजा, जल्दी आजा। क्या हुआ? अब तक तो साईं बाबा के साथ महासपति का भी काम तमाम हो गया होगा। कल सुबह शिरडी वालों को साईं बाबा की अस्थियां मिलेगी। अस्थियां सुना वैद्य जी आपने? साईं बाबा की अस्थियां। यदि आज आपके शरीर को कुछ हो जाता
तो मुझे तो नर्क में भी स्थान न मिलता साईनाथ। मालसापति जी, ये आग लगी कैसे? आज आग लगी है, कल तूफान आएगा, परसों प्रलय भी आ सकती है। ये सब अशुभ कार्य के अशुभ संकेत हैं। अरे जरा सोचो, भला बिना क्रिया कर्म किए हुए कोई लाश को रखता है इतनी देर तक अपने घर? राम राम राम, आप सब यहाँ इस लाश को ऐसे रख कर शिरडी पर कोई बहुत बड़ा संकट ले आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तुमने 3 दिन रुकने को कहा था, 3 दिन पूरे हो गए। दिन खत्म हो गए द्वारकानाथ जी, 3रे दिन की रात अभी बाकी है। रात बाकी है? अरे अंधे हो, देखो रात के 3 बजे हैं। है 2-3 घंटे और रुक जाइए द्वारकानाथ जी, बस अने का ही नहीं। बिल्कुल नहीं, अब हम इस लाश को एक पल भी शिरडी में नहीं रहने देंगे। अभी इस लाश का क्रियाकर्म कर देते हैं हम लोग। खबरदार, वहीं रुक जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं, साईं बाबा के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो पहले इस महालसा पति की लाश को उठाओ तुम लोग। चलो जाओ। अरे जाओ, जागो साईं बाबा, जागो बाबा, जागो। उठिए साईं बाबा, जागिए। साईनाथ, हम अनार्थ हो जाएंगे। साईनाथ उठिए, साईनाथ। साईनाथ, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? लौट आइए साईनाथ, लौट आइए। लौट आइए साईं बाबा, लौट आइए। वापस आ जाइए साईं बाबा, वापस आ जाइए। साईं बेटा, अपनी माँ को तंग मत कर बेटा, लौटा। हम भक्तों के सहारे जग साईं जाग, सारी नगरी पुकारे जग साईं। सारे जग साईं जाग, पहर है अंतिम,
बची है अंतिम आशा, सूर्य निकल आया तो छा जाएगी घोर निराशा। मान न जाए भक्तों का देखे नहीं दुष्ट तमाशा, मन ही में रह जाए न तेरे दर्शन की अभिलाषा। लौट के आ जा, लौट के आ जा, नहीं और कोई मांग हम भक्तों के सहारे। जग साईं जग, सारी नगरी पुकारे, जग साईं जग। साईनाथ कैसे पहचाने।